महिला नाजियों को सोना, कीमत है 2000 करोड़, जमीन के 10 फीट नीचे दबा हुआ था। कभी कभी दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती हैं। अभी पोलैंड में एक ऐसी ही घटना घटित हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दरअसल जर्मनी के तानाशाह एडल्फ हिटलर के नाजी सोने की खोज करने का दावा किया गया है। हिटलर के इस गुप्त नाजी सोने की कीमत 2000 करोड़ रुपया की गई है। खजाने की खोज करने वाले विशेषज्ञों ने पोलैंड में एक विशाल कनस्तर को खोजा है। इस कनस्तर का वजन 4 टन बताया गया है, जिसे एक गुप्त शुजा फेल के नीचे से निकाला गया। धातु का कनस्तर जमीन के 10 फीट नीचे दबा हुआ था। जिस जगह पर यह कनस्तर दबा हुआ था वो दक्षिणी पोलैंड में 18वीं सदी का एक पैलेस है। खुदाई पिछले साल मई में मिंकोवस्की पैलेस में शुरू हुई थी, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वैश्याल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। सोने की खोज करने वाली टीम को उम्मीद है कि वो अन्य कीमती वस्तुओं के साथ नाजी सोने का पता लगा लेगी। उनका मानना है कि हिटलर के गुर्गे हेनरिक हिमलर द्वारा इसे छुपाया गया था। द फर्स्ट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में कहा, सोने की खुदाई करने वालों का कहना है कि उन्होंने एक पुरानी नाजी डायरी की मदद से इस जगह का पता लगाया था। कनस्तर को ढूंढने के लिए ग्राउंड स्कैनिंग रडार का इस्तेमाल किया गया था। कनस्तर 4 से 5 फीट लंबा है और इसका व्यास 20 इंच है। इसे पैलेस कंजर्वेटरी के नीचे देखा गया। दरअसल कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर का 28 टन सोना पोलैंड के एक पैलेस में छिपा हुआ है। आखिर हिटलर का खजाना क्यों छिपाया गया? खजाने की असल कीमत क्या हो सकती है? हिटलर के खजाने को लेकर लगाए जाने वाली सारी अटकलें अब तक कहानियां बन चुकी हैं। नाजी शासन के दौरान लूटी गई सोने की छड़ें, जेवरात और विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा खजाना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गायब हो गया था। लाख कोशिश करने के बावजूद इसका पता नहीं लग सका और अब तक उस खजाने की खोज जारी है। इन खजानों की कीमत 5 अरब रुपए के करीब आंकी गई है। हैरानी की बात यह है कि यह खजाना खुले में नहीं था, बल्कि जर्मनी के एक बैंक में सुरक्षित रखा गया था। ऐसा भी माना जाता है कि हिटलर ने खुद ही इस खजाने को जर्मनी के किसी अज्ञात स्थान पर छिपा दिया था। कुछ खोजकर्ताओं का विश्वास है कि यह ऑस्ट्रिया की किसी झील में छिपा हुआ है। ऐसा भी माना जाता है कि इस खजाने में 100 सोने के छड़े और हीरे से भरी एक संदूक है। आज के जमाने में इसकी कुल कीमत 4 अरब 98 करोड़ 16 लाख 75 हजार रुपया की गई है। पियोट कोपर कई साल से खजाने से भारी नाजी ट्रेन को खोज रहे थे। माना जाता है कि इसे पोलैंड में एक सीक्रेट टनल में छिपा दिया गया था। जब सोवियत सेनाएं नाजी कैंप की ओर बढ़ने लगी थी, कई साल से एडोल्फ हिटलर के नाजी जर्मनी के एक सोने के ट्रेन की खोज कर रहे इतिहासकार के हाथ आखिरकार एक खजाना लगा। पोलैंड के पियोट कोपर ने अपने गोल्डन ट्रेन फाउंडेशन की मदद से सोनार और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नाजी काफिले के ट्रकों को खोजा। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इस काफिले में म्यूजियम से जुड़ी एंटिक चीजें रखी थी। यहां डूब गई थी सेना। की जा रही सोने के ट्रेन की खोज। जारस्का नाम के गांव में एक झील में पियोट कोपर दिसंबर 2020 से सोने के ट्रेन खोज रहे थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक एडोल्फ हिटलर की सेनाएं 1945 में यहां आई और बाद में ट्रक पानी में डूब गया। कोपर ने स्थानीय न्यूज साइट गोर्जलेक नास्ते मियास्टो को बताया कि रिसर्च रविवार को पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि संतोषजनक नतीजे मिल गए हैं और अब यहां खुदाई की जाएगी क्योंकि स्टील के सिग्नल मिले हैं। उनका मानना है कि ये वही ट्रक हो सकते हैं। इसके अंदर कुछ है या नहीं ये खुदाई के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले हाई माउंटेन डाइविंग के गिनीज रिकॉर्ड होल्डर मार्सल कॉर्कस भी यहाँ खोज कर चुके हैं। वही कॉपर का कहना है कि अब रडार के डेटा का इंतजार किया जा रहा है, उसमें नतीजों की पुष्टि होने के बाद खनन की इजाजत मांगी जाएगी। इससे पहले कॉपर कई साल से खजाने से भरी नाजी ट्रेन को खोज रहे थे। माना जाता है कि इसे पोलैंड में एक सीक्रेट टनल में छिपा दिया गया था जब सोवियत सेनाएं नाजी कैंप की ओर बढ़ने लगी थी। अगस्त 2015 में कॉपर उनके साथी इतिहासकार एंड्रियास रेक्टर ने दावा किया कि उन्हें वॉलब्रिक नाम के शहर में ट्रेन मिली थी। स्थानीय प्रशासन ने खोज की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। गौरतलब है कि एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या नहीं की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो अपनी बीवी इवा ब्राउन के साथ भाग निकला था। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार गेरार्ड विलियम्स ने ये कहकर फिर से हिटलर की मौत को सुर्खियों में ला दिया है। विलियम्स का कहना है कि जर्मन सेना ने आत्महत्या की झूठी खबर फैलाई थी, अभी भी सरकार हमें सच नहीं बता रही है। डेली एक्सप्रेस के अनुसार विलियम्स की खोज पर एक टीवी प्रोग्राम जल्द आने वाला है। इसमें खुलासा किया गया है कि किसी ने भी उन्हें खुद को गोली मारते नहीं देखा था। जिस बंकर में हिटलर को छुपाया गया था उससे 2 शवों को निकालते दिखाया गया, लेकिन ये शव किसका है कोई नहीं जानता।